नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। जिले की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं सायहापुर के सुपर फास्ट बुलेटिन की। कुडार इलाके के भडनौसा गांव में भाजपा नेताओं पर जमीन कब्जाने का आरोप का मामला सामने आया है। यहां की रहने वाली विधवा महिला ने भाजपा के पूर्व चेयरमैन और मौजूदा भाजपा विधायक पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि भाजपा नेता जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और जेसीबी मशीन से बाउंड्री वाल तोड़ने का भी आरोप महिला ने लगाया है। पीड़ित विधवा महिला ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही महिला ने धमकी दी है कि अगर उसको न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह कर लेगी। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने थाना अध्यक्षों के तबादले किए हैं। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर रिजर्व पुलिस लाइन से धर्मेंद्र सिंह को मदनापुर थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बंडा थानाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह को प्रभारी चुनाव सेल भेजा गया है। आपको बता दें कि मदनापुर थाने की जिम्मेदारी संभाल रहे मनोज कुमार को बंडा थानाध्यक्ष बनाया गया है। आपको यह भी बता दें कि मनोज कुमार ने मदनापुर में रहते हुए अपराधियों पर नकेल कसी थी। महानगर के अंटा चौराहे पर पुल बनवाए जाने की खबर से स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिला है। आज स्थानीय लोगों ने कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के कार्यालय राजभवन पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और पुल न बनवाने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पुल बनने की वजह से उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। आपको बता दें कि कल नगर निगम के एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अंटा चौराहे पर पुल बनाए जाने की घोषणा की थी। दरअसल अंटा चौराहे पर रोजाना जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे निजात दिलाने के लिए यहां पुल का निर्माण कराए जाने की बात कही गई थी। खोदागंज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश सर्वेश को चिरचिरा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। सर्वेश के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह गैंगस्टर एक्ट में लंबे समय से वांछित चल रहा था। गिरफ्तार किया गया सर्वेश खोदागंज के जिगनिया गांव का रहने वाला है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सायहापुर में योग वेलनेस सेंटर का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा से आच्छादित उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा संचालित योग वेलनेस सेंटर सायहापुर का कल शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। निर्देशक राजकमल यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 6 योग वेलनेस सेंटर को चयनित किया गया है, जिसमें सायहापुर पहले नंबर पर है। कल सबसे पहले सायहापुर के योग वेलनेस सेंटर का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। योग वेलनेस सेंटर के योग प्रशिक्षक मृदुल कुमार गुप्ता से योग पर चर्चा भी मुख्यमंत्री करेंगे और जायजा लेंगे। आज पुआ में कवि गोपाल दास नीरज की जयंती के मौके पर कवि अरविंद पंडित को सम्मानित किया गया। कवि अरविंद को हरियाली किसान बाजार के प्रबंधक विनीत शुक्ला और सुपरवाइजर चंदन रावत ने सम्मानित किया। इस मौके पर अरविंद पंडित ने कुछ रचनाएं भी सुनाई। नववर्ष के मौके पर बिजलीपुरा में अक्षर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और परिवार नियोजन समेत कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ रंगकर्मी जरीफ मलिक आनंद ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम के समापन पर कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया गया। निगोही थाने में लंबे समय से सेवाएं दे रहे होमगार्ड रामोतार सिंह आज सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर थाने में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यहां होमगार्ड कंपनी कमांडर जेपी नारायण दीक्षित ने फूल माला पहनाकर रामोतार को बधाई दी। इस दौरान निगोही थाना प्रभारी ने भी साल ओढ़ाकर रामोतार को सम्मानित किया। आज बहुजन समाज पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक सायहापुर के बरेली मोड़ स्थित एक होटल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष यदुवीर गौतम ने की।
वहीं बैठक में पहुंचे मुख्य अतिथि बरेली मंडल के पूर्व प्रभारी और पूर्व मंत्री राजकुमार गौतम ने कार्यकर्ताओं के साथ कुमारी मायावती के जन्म दिवस को लेकर समीक्षा की। साथ ही उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि बहुजन समाज पार्टी जिला पंचायत चुनाव को लेकर काफी आशान्वित है कि जिले में ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जीत कर आए। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में दमखम लगाने की बात भी कही है। आज शिक्षक भवन लखनऊ में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश स्तरीय चुनाव में 75 जनपदों के अध्यक्ष मंत्री और संपूर्ण कार्य समिति द्वारा डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा को पुनः निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष, संजय सिंह को प्रदेश महामंत्री, शिवशंकर पांडे को प्रदेश कोषाध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह यादव को संयुक्त मंत्री के साथ साथ राधे रमन त्रिपाठी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रदेश की नई कार्य समिति के गठन का अधिकार भी दिया गया है। निर्विरोध निर्वाचन पर जनपद के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। सायाहपुर पुलिस ने अलग अलग थानों से कार्यवाही करते हुए कच्ची शराब के साथ 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जलालाबाद पुलिस ने 30 लीटर कच्ची शराब के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं खुदागंज पुलिस ने 20 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 और मदनापुर पुलिस ने 8 लीटर कच्ची शराब के साथ 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है।